चलिए फिर से थर्ड क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट का रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको भी हम चेक करते हैं बाय एडिटिविटी प्रॉपर्टी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे और दूसरी जगह हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। एडिटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हम मैंने क्या बताया था कि x ऑफ t को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किस से, p ऑफ t से। और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, x ऑफ t को हम रिप्लेस कर देंगे किस से, z ऑफ t से। ठीक है, तो जब हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तब हम इनपुट को p ऑफ t मानेंगे, यानी कि x ऑफ t को p ऑफ t मान लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि p ऑफ t को हमने इनपुट माना, तो p ऑफ t में हम इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी कि x1 t दो इनपुट सिग्नल का सम ले लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे y ऑफ t इक्वल्स टू e इंटू z ऑफ t होगा, और z ऑफ t मतलब इनपुट माना है, और इनपुट में हम स्केलिंग कर देंगे, यानी कि ए एक्स ऑफ टी है ना, जेड ऑफ टी को इनपुट माना और इनपुट में स्केलिंग कर दिया, यानी कि इनपुट में स्केलिंग कर दिया मतलब ए इंटू एक्स ऑफ टी। अब देखो ये आपका इक्वेशन वन है। ठीक है, अब देखिए अब जब इनपुट में हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वाई ऑफ टी क्या आएगा, वाई ऑफ टी आएगा ए इंटू एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन टू हो गया जब हम इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब फाइनली जब हम डायरेक्टली यदि आउटपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दो आउटपुट सिग्नल का सम ले लेंगे। ठीक है, तो दो आउटपुट सिग्नल का जब सम लेंगे तो क्या होगा, ई ठीक है ई इंटू एक्स वन टी प्लस ई इंटू एक्स टू टी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये आउटपुट में जब हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाया, अब यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री सेम है, इक्वेशन टू is not equals to equation 3. तो additivity property यहाँ पे fail हो गई। ठीक है, similarly यहाँ पे जब हम input को scaling करेंगे तो output क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं equation 4, output क्या आएगा e into ए एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो इनपुट को स्केलिंग करने के बाद आउटपुट ये आएगा, और डायरेक्टली जब हम आउटपुट को स्केलिंग करेंगे ए इंटू वाई ऑफ टी तो क्या आएगा, ए इंटू ई टू द पावर एक्स ऑफ टी। तो ये इक्वेशन सिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर भी देखिए कि इक्वेशन जब हम इनपुट में स्केलिंग लगाए उसका इक्वेशन, और जब हमने आउटपुट का स्केलिंग लगाया उसका इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन मिसमैच कर रहा है। इसका मतलब होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो इट मींस दैट अवर सिस्टम, इट मीन्स दैट अवर सिस्टम इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है,
तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें ये चेक करना है कि वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉट। अगेन फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम दो कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम बनेगा एडिटिविटी के लिए, एक कॉलम बनेगा एडिटिविटी के लिए और दूसरा कॉलम बनेगा होमोजेनिटी के लिए। ठीक, अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हम मैंने क्या बताया था, एक्स ऑफ टी को रिप्लेस कर दिया जाए पी ऑफ टी से, और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स ऑफ टी को रिप्लेस कर दिया जाए जेड ऑफ टी से। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी की जगह साइन ऑफ टी दिया है, तो यानी कि एक्स ऑफ साइन टी को रिप्लेस कर दिया जाएगा पी ऑफ, मतलब अपन करेंगे पी ऑफ साइन टी से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे एक्स ऑफ साइन टी को हम रिप्लेस कर देंगे जेड ऑफ साइन टी से। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इस, अब आउटपुट रिलेशन क्या होगा, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू पी ऑफ साइन टी, और यहाँ पे आउटपुट रिलेशन क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू जेड ऑफ साइन टी, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इनपुट को, इनपुट में हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, और यहाँ पे इनपुट हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने इनपुट क्या लिया है, इनपुट हमने लिया है पी ऑफ साइन टी, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ साइन टी में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि पी वन साइन टी प्लस पी टू साइन टी हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, पी वन साइन टी प्लस पी टू साइन टी। ठीक, इसको हम इक्वेशन वन मानते हैं, इसको हम इक्वेशन टू मानते हैं। ठीक है, तो जब हमने इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाया तो आउटपुट का रिलेशन ये आया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आउटपुट में ही एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू वाई वन टी प्लस वाई टू टी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वन साइन टी प्लस पी टू साइन टी, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब हमने इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाया तो आउटपुट का रिलेशन इक्वेशन टू है, जब आउटपुट में डायरेक्ट एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाया तो आउटपुट का रिलेशन इक्वेशन थ्री है। इज डेट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये होता है एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में स्केलिंग करेंगे। ठीक है, इनपुट को हमने जेड ऑफ साइन टी लिया, तो इनपुट में जब हम स्केलिंग करेंगे, तो जब स्केलिंग किया हमने इनपुट को, स्केलिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ए इंटू जेड ऑफ साइन टी, है ना, और ए इंटू जेड ऑफ साइन टी
तो जो जब हम इनपुट में स्केलिंग करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू ए इंटू जेड ऑफ साइन टी, ठीक है। ये आप इक्वेशन 5 मान लीजिए। दूसरा हम डायरेक्ट स्केलिंग कर देंगे आउटपुट में, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू ए इंटू वाई ऑफ टी। जब हम डायरेक्ट स्केलिंग करेंगे तो देखो वाई ऑफ टी हमने क्या लिया, जेड ऑफ साइन टी, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू जेड ऑफ साइन टी। तो ये आपका इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जब हमने रिलेट किया तो दोनों इक्वल शो हो रहा, इसका मतलब ये होता है कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी आपकी पास हो गई, ठीक। तो जब एडिटिविटी प्रॉपर्टी पास हो गई, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी पास हो गई, इट मींस दैट कंक्लूजन क्या निकला, इट मींस दैट अवर सिस्टम इज कॉल्ड अ लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन के थ्रू ये पता करने की कोशिश की कि वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉट, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आप लोगों को लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम के क्वेश्चन लगाते बन रहे कि नहीं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच।